पिछले वीडियो में आपने सुना था, आंख बंद करके मन ही मन कहा, भगवान मुझे इस तरह विडंबित किया, तुम्हारा मैंने क्या किया था। तो चलिए अब आगे का स्वर्ग अगला वीडियो। पोथिन साहस पाकर बोला, तुम्हारे देवता भी कामना करते हैं माशोय, मैं तो मनुष्य हूँ। माशोय ने अन्य मनुष्य की भांति उत्तर दिया, परंतु जो नहीं करता वो शायद देवता से भी बड़ा है। परंतु इस प्रसंग को उसने और आगे नहीं बढ़ने दिया। कहा, सुना है दरबार में आपका बहुत सम्मान है, मेरा एक काम करा सकेंगे? बहुत जल्दी, पोथी ने उत्सुक होकर पूछा। क्या? एक आदमी से मुझे बहुत रुपये लेने हैं, परंतु वसूल नहीं कर सकती, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, आप कुछ उपाय कर सकेंगे? कर सकूंगा, परंतु तुम क्या जानती नहीं, यह मैं राजकारण कहकर वह हंस गया। इस हंसी में ही स्पष्ट उत्तर था। माशय व्यग्र होकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तब एक दिन में ही उपाय कीजिए, आज ही, मैं और एक दिन का भी विलंब नहीं करना चाहती। पोथिन ने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक यही होगा, यह ऋण हमेशा से इतना तुच्छ, इतना असंभव, इतना हास्यास्पद था कि इस संबंध में किसी ने कभी भी चिंता तक नहीं की। परंतु राज कर्मचारी के मुख की आशा से माशोय का समस्त शरीर एक क्षण की उत्तेजना से उत्तप्त हो उठा। वह दोनों आंखें फैलाकर संपूर्ण इतिहास को बिगाड़कर कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती, एक कौड़ी भी नहीं। जो जिस तरह रक्त सौंप लेती है, ठीक उसी प्रकार आज ही अभी नहीं होगा। इस समय में उस व्यक्ति से अधिक करने की आवश्यकता न थी, यह उसकी आशा से भी परे था। वह भीतर के आनंद और उत्साह को किसी प्रकार संवरण करके बोला, राजा का कानून कम से कम 7 दिन का, इतने समय तक किसी भी प्रकार धीरज धरकर रहना ही होगा, उसके पश्चात जो खुशी हो चाहे जितनी खुशी से रक्त चूसो, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। यह ठीक है, परंतु अब आप जाइए, यह कहकर वह जैसे एक प्रकार से छूट भागी। इस दुर्बोध लड़की के प्रति उस मनुष्य के लोभ की सीमा नहीं थी, तभी अनेकों अवहेलनाओं को वह चुपचाप पचा जाता था, आज भी पचा गया। परंतु घर लौटने के मार्ग पर उसका पुलकित चित्त पुनः पुनः इस बात को अपने आप से कहने लगा, अब कोई भय नहीं है, उसकी सफलता का मार्ग निष्कंटक होने में अब शायद अधिक विलंब न होगा। यह बात सत्य है, परंतु कितना शीघ्र और कितना बड़ा विस्मय भगवान ने उसके भाग्य में लिख रखा था, वो आज कल्पना करने पर भी उसके लिए संभव नहीं हुआ। अगले भाग में आप सुनेंगे ऋण के दावे का समन आया। कागजों को हाथ में लेकर वातिन बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा।